So are you ready to take the next leap of learning? क्योंकि अभी तक हमने आपको settings के बारे में सिखाया, हमने आपको बताया कि WordPress की settings क्यों जरूरी हैं। ये settings बिल्कुल आपके जिस तरह phone में settings होती हैं, ये किसी भी एक module या device जिसमें एक settings का portion होता है, WordPress में the settings portion and module is pretty much the same. And it has different tiers. हमने आपको अभी तक पहले एक reading के बारे में बताया settings tier के बारे में, फिर हमने आपको settings journal के बारे में बताया. क्या होती हैं settings? क्यों जरूरी हैं settings? Settings are the brain of WordPress. बिल्कुल like your own brain, which powers your body, which powers your whole daily systems and tasks. उसी तरह जो WordPress की settings हैं, those power the different tasks that you will be able to perform on WordPress. क्यों जरूरी है इन settings को समझना? क्योंकि WordPress powers more than 30% of the entire internet. That's million and millions of websites. इतनी ज़्यादा websites हैं जो WordPress से power हो रही हैं, तो ज़रूरी है कि आप WordPress को try करने से पहले एक-एक setting को अच्छी तरह से समझें और उस पे तभी कोई changes करें. As I've said before, I'll say it again. Do not underestimate the settings area. Settings area is very crucial because इसमें अगर कोई भी चीज आपने इधर उधर करके छेड़ दी, तो आपकी वेबसाइट डाउन हो सकती है. So beware. Wrong configuration can make or break your website. So you have to be very careful. अब बात करते हैं specifically writing के बारे में. Settings में जो writing का area है. This is the second number area. Actually, this is the third number area. So, जब भी आप जाएंगे settings के bar में dashboard पे, तो जो तीसरे number पे आपको एक area settings में नजर आएगा, it's called writing. और इसका ताल्लुक है with anything that you have to do with writing. So, the writing settings configure various options with regards to your site content. आपके content में जो आपकी चीजें हैं different, जो settings हैं, वो ये एरिया मैनेज करता है. एंड क्यों कंटेंट से रिलेटेड सेटिंग्स जरूरी है? बिकॉज कंटेंट इज किंग. कंटेंट इज व्हाट पावर्स योर वेबसाइट. सो मैंने आपको बताया था कि एक कड़ी जो इस पूरे इकोसिस्टम में सबसे जरूरी है, दोज आर द यूजर्स. व्हाट इज द सेकंड कड़ी? दैट्स द कंटेंट. सो कंटेंट से रिलेटेड कोई भी चीज आपने पावर करनी है, दैट इज गोइंग टू बी पावर्ड एंड एडिटेड फ्रॉम द वर्डप्रेस राइटिंग settings area. The settings area for writing include defining the default blog post format. Ye format kya ho sakta hai? It could be different things like aside, like blog, like chat. Main aapko aage dobara detail mein zara bataunga, lekin ye jo area hai that defines ki wo blog post ka ek default format kya hoga. Ye bhi theme pe depend karta hai. Aapki theme aapko batayegi ke कौन सा या कौन से फीचर्स हैं ब्लॉग पोस्ट में जो आपकी थीम आपको अलाउ करती है. एंड ऑल्सो अगर आपने कोई एक लिंक मैनेजर प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है, सो दिस विल ऑल्सो डिफाइन द डिफॉल्ट लिंक कैटेगरी. सो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस. एज यू कैन सी, आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन है टू सिलेक्ट द डिफॉल्ट पोस्ट फॉर्मैट. वेरी इजिली यू कैन डू दैट हियर. अब डिफॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट क्या होता है? सो एक फॉर्मेट आपके पास है स्टैंडर्ड. अ स्टैंडर्ड ब्लॉग पोस्ट इज वेर यू पुट ऑल योर कंटेंट. फिर आपके पास है चैट. अगर आप कोई चैट पब्लिश करना चाह रहे हैं अपने ब्लॉग पोस्ट पे, यू विल यूज दिस कैटेगरी. अगर आप कोई एक गैलरी डालना चाह रहे हैं, एक फोटोज की गैलरी, सो दिस फॉर्मेट विल डिफाइन दैट. अगर आप कोई लिंक डालना चाह रहे हैं, तो आप उसको भी डिफॉल्ट यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं. अगर कोई आप इमेज डालना चाह रहे हैं, कोट डालना चाह रहे हैं, स्टेटस डालना चाह रहे हैं, वीडियो डालना चाह रहे हैं, ऑडियो डालना चाह रहे हैं, दिस एरिया, दिस सेक्शन विल अलाउ यू टू क्रिएट अ डिफॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट. डिफॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट हर तरह की वेबसाइट या हर तरह की थीम में नहीं होता. आपने देखना है कि आपकी थीम ये आपको अलाउ करती है कि नहीं करती, और वो आपको विजिबल होगा जब आप पोस्ट को जाके खोलेंगे. राइट हैंड साइड पर आपको नजर आएगा कि कौन से पोस्ट फॉर्मेट वो थीम एक्चुअली अलाउ करती है. फिर हम बात करेंगे एक और सेक्शन के बारे में
which is called post via email. जैसे कि आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा है, आपको क्या पता था कि WordPress gives you the option to write a blog post just by sending an email. तो आप लोग सोचते होंगे कि हमें अगर ईमेल से ब्लॉग पोस्ट लिखना था तो आपने इतना ज़्यादा वर्डप्रेस सिखाया क्यों? भाई उसका मकसद ये ताकि आप डिफरेंट चीज़ें सीखें, ताकि आप वो सारी लर्निंग्स कर सकें जो आपको एक सक्सेसफुल वर्डप्रेस एंटरप्रेन्योर या वर्डप्रेस फ्रीलांसर या स्मार्ट वर्कर बनने में हेल्प कर सकती हैं। ये भी मैं आपको सिखाऊंगा कि एक प्लगइन है जिसका नाम है जेट पैक, हाउ यू कैन यूज द प्लगइन कॉल्ड जेट पैक टू पोस्ट विया ईमेल वेरी इजीली। एंड द थर्ड ऑप्शन इज टू अपडेट द सर्विसेज। सो अपडेट सर्विसेज क्या करती है? इट इन्फॉर्म्स अदर वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट कि आपने अपनी ब्लॉग पोस्ट अपडेट कर दी है। इट्स वेरी गुड फॉर एसईओ एंड आई विल टेक यू लाइव जिधर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये सर्विसेज मिलके राइटिंग में जो एरिया है सेटिंग्स में कैसे आप अपने ब्लॉग को फर्दर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को यूजिंग दिस सेटिंग्स एरिया। सो वी विल गो लाइव नाउ। सो अब हम वर्डप्रेस का जो सेटिंग्स एरिया है उसको देखेंगे कि हाउ इट वर्क। सो आई विल गो टू माई वेबसाइट विच इज digiskills.sadhamid.000webhostapp.com और मैं साइट खोलूंगा और सामने में देखूंगा कि ये साइट कैसी दिखती है। सो यू कैन सी इट्स वेरी मच सिमिलर टू व्हाट वी हैव बीन डिस्कसिंग सो फार। मैं जल्दी से लॉगिन करूंगा और लॉगिन करते साथ ही अब आप देख रहे हैं थीम भी डिफरेंट है। थीम डिफरेंट क्यों है? बिकॉज आई चेंज द थीम यस्टरडे। आई विल चेंज दैट थीम अगेन बिकॉज ये थीम मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही। सो आई विल जस्ट ट्राई टू क्विकली चेंज कलर्स बिफोर आई हेड टू द सेटिंग्स राइटिंग एरिया। और आपने देखा कि अभी एक एरर आ गई है। दिस इज़ प्रिटी नॉर्मल, इट हेल्प्स यू लर्न कि इस तरह के एरर्स आपके साथ भी आएंगे। सो आई विल क्विकली चेंज दिस टू दिस कलर विच आई रियली लाइक, एक्टोप्लाज्म इसका नाम है। और यहां से आई विल गो टू द सेटिंग्स एरिया और सेटिंग्स एरिया में आप देख सकते हैं कि राइटिंग वाले सेक्शन में हम हैं। तो राइटिंग वाले सेक्शन में वी हैव द डिफॉल्ट पोस्ट कैटेगरी विच इज़ अभी लिखा हुआ है अनकैटेगराइज्ड, बट आप इसको कोई और कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। अगर आप डिफॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट सिलेक्ट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। मैंने कोड सिलेक्ट किया था, आई विल सेट इट बैक टू स्टैंडर्ड। और एक पोस्ट विया ईमेल की ऑप्शन है हमारे पास जो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास अपडेट सर्विसेज हैं जिसमें मैं google.com डाल सकता हूँ। सो इफ़ यू वॉन्ट टू इन्फॉर्म अदर सर्विसेज कि आपकी साइट अपडेट हो गई है, दिस इज़ वेयर यू कैन चेंज दैट। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस सेटिंग से रिलेटेड आप गूगल सर्च भी कर सकते हैं जिस तरह अपडेट सर्विसेज वर्डप्रेस। तो कुछ और वर्डप्रेस के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने आपको कुछ सर्विसेज बताई होंगी जो आप यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं। सो इन दिस लेसन यू लर्न हाउ यू कैन यूज द वर्डप्रेस सेटिंग्स एरिया टू एम्पावर डिफरेंट फीचर्स ऑफ वर्डप्रेस। जेट पैक भी एक प्लगइन है, प्लीज़ उसको ट्राई कीजिएगा। यूजिंग दैट यू कैन पोस्ट वियर ईमेल। बट हमारे साथ इसलिए रहिएगा ताकि हम आपसे सीख सकें, आप हमसे सीख सकें और हम ये जो ग्रोइंग कम्युनिटी है डीजी स्किल्स की विच इज़ गोइंग टू एम्पावर इंडिविजुअल्स एंड एम्पावर द फ्यूचर यंग जनरेशन ऑफ पाकिस्तान मिलके हम काम कर सकें, सीख सकें और एक अच्छी कम्युनिटी बना सकें।